हेलो दोस्तों, आई एम लकी मैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं, आप एक बार फिर से यहाँ पे एक जो स्टेटमेंट आ रही है जो कि मेरे ख्याल से पबजी मोबाइल की तरफ से ही है। तो देखेंगे वीडियो में आगे क्या ये स्टेटमेंट है जो रियल है या फिर फेक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो में कुछ ही पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। हम काफी करीब है यहाँ पे 50K सब्सक्राइब के। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे जो पबजी मोबाइल के बैन के बाद यहाँ पे काफी सारी अजीब अजीब सी स्टेटमेंट्स हैं जो कि वायरल हो रही हैं। तो उसी के बाद यहाँ पे एक और स्टेटमेंट आ रही है जो कि मेरे ख्याल से कल शाम को यहाँ पे टैप टैप पे पोस्ट की गई थी। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट में देख सकते हो, आपको जो स्टेटमेंट है वो टैप टैप पे देखने को मिल रही है। तो टैप टैप पे देखने को मिली है तो मतलब स्टेटमेंट है वो चाइनीज में है। तो इसको ट्रांसलेट करने के बाद यहाँ पे आपको जो इसका मतलब बनता है आपके बारे में वो बता देता हूँ, और फिर हम बात करेंगे क्या स्टेटमेंट रियल हो सकती है या फेक है ये भी। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो है, हेलो एवरीवन इंडिया, रिसेंटली ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ बैनिंग चाइनीज एप्स द इंडियन सर्वाइवर्स कैन नॉट प्ले द पबजी मोबाइल नॉर्मली। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने एप्स बैन किया तो उसके बाद जो इंडियन सर्वाइवर्स हैं या जो प्लेयर्स हैं वो पबजी को हमेशा की तरह खेल नहीं पा रहे हैं। और उन्होंने नीचे यहाँ पे अनाउंस किया कि यहाँ पे फ्यूचर में जो टीम उनकी अनाउंस किया कि इंडियन वर्जन ऑफ पबजी मोबाइल विल बी ऑफिशियली लॉन्च्ड आफ्टर यहाँ पे 8.98 वर्जन 1.0 इज लॉन्च्ड। तो यहाँ पे जो इनका एक न्यू इंडियन वर्जन आने वाला है जो कि यहाँ पे अपडेट के बाद ही लॉन्च होगा 8 सितंबर के बाद ही। तो ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट में कह रहे हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे कह रहे हैं कि जो टेंशन गेम्स है वो अपने सारे टाइज है अपने जो पबजी मोबाइल के साथ तोड़ देगा, और यहाँ पे जो पबजी मोबाइल है वो भी किसी और यहाँ पे डेवलपर को ढूंढ रहा है। और नीचे यहाँ पे ब्लू होल जो कंपनी है इसकी, जो पबजी मोबाइल की कंपनी है, तो वो गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे बातचीत कर रही है और देख रही है कि कैसे पबजी मोबाइल के बैन को रिमूव करना है। और नीचे लास्ट में ये कहते हैं कि यहाँ पे ऑल द इंडियन सर्वाइवर्स कैन विटनेस द जेडी यहाँ पे न्यू इरा एंड वी होप ऑल द सर्वाइवर्स कैन वेट पेशेंटली फॉर द अराइवल ऑफ अ न्यू वर्जन। तो लास्ट में ये कह रहे हैं कि जो हमारे इंडियन यहाँ पे सर्वाइवर्स हैं, प्लेयर्स हैं, तो ये होप कर रहे हैं कि वो यहाँ पे न्यू इरा को खेल पाए, और बस ये चाह रहे हैं कि आप पेशेंस रखो। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट तो आपको लग रहा होगा काफी यहाँ पे रियल टाइप का, ऑथेंटिक टाइप का लग रहा है, कुछ अच्छी तरीके से बनाया गया स्टेटमेंट को। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने भी देखा था स्टेटमेंट को तो काफी मुझे भी रियल लगा था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ पे इन्होंने अनाउंस ही करना था तो यहाँ पे टैप टैप पे क्यों किया गया अनाउंस, और जो स्टेटमेंट है वो चाइनीज में क्यों किया गया? क्योंकि अगर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है तो हिंदी में दो या फिर इंग्लिश में दो, और देनी है तो दो यहाँ पे जो सोशल मीडिया इंडिया वाले हैं, जो पबजी मोबाइल का इंडिया का हैंडल है, यहाँ पे जो इंस्टाग्राम ट्विटर और बाकी के जो फेसबुक है, तो अगर देनी है तो उस पर दो, तो यहाँ पे क्यों देखने को मिल रही है? तो इससे यहाँ पे काफी सारे कुछ ये रीजन है जिससे लगता है कि जो स्टेटमेंट है वो फेक हो सकता है। बाकी स्टेटमेंट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये तो चीज बताई होगी आपको, जो टेंशन गेम्स तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा, जो गवर्नमेंट के साथ वो नेगोशिएट तो कर ही रहा होगा। बाकी ये जो इंडियन वर्जन वाली न्यूज है ये रियल है या फेक है तो उसका भी यहाँ पे कुछ पता नहीं है। तो ये कुछ रीजन हैं जिसके कारण यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो फेक हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक रीजन है जिसके कारण यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टाइम पहले जब हमारा पबजी मोबाइल का बीटा वर्जन आया था 1.0, तो उसके यहाँ पे एक सिमिलर सा अकाउंट था ये पबजी एंड बीटा करके, तो इसने यहाँ पे हमें पहले बता दिया था कि यहाँ पे जो ये बीटा अपडेट आने वाला है वो एक दिन के बाद आएगा। तो उसी के एक दिन के बाद जो बीटा अपडेट हमें देखने को मिल गया था। तो ये एक रीजन है जिससे मुझे लगता है कि जो स्टेटमेंट है वो रियल भी हो सकता है। तो 50-50% चांसेस है कि जो स्टेटमेंट है वो रियल भी हो सकता है, वो फेक भी हो सकता है। तो पता नहीं दोस्तों, आप इनके दिमाग में आखिरकार क्या चल रहा है। तो स्टेटमेंट तो आपने देख ही लोगा, तो आप डिसाइड कर सकते हो आपको क्या लगता है कि जो स्टेटमेंट है वो रियल है फेक है। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे काफी टाइम हो चुका थी जो टेंशन ने यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो यहाँ पे हमारे कुछ जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं तो उनका कहना था कि जो टेंशन गेम का उनके साथ कॉन्टैक्ट है, और जो टेंशन गेम्स या फिर जो ब्लू होल कंपनी है वो यहाँ पे हमारे साथ गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट कर रही है, और आने वाले एक दो दिन में जो सारी सिचुएशन है वो क्लियर हो जाएगी, क्या पबजी मोबाइल बैन होगा या फिर वो अनबैन हो जाएगा, उसका जो बैन है वो लिफ्ट हो जाएगा, आप उसे फिर से खेल पाओगे। तो आपको नॉर्मली यहाँ पे एक दो दिन का और वेट करना पड़ेगा जब इनका जो अपडेट आता है 8 सितंबर को, तो उससे पहले यहाँ पे जो सारी सिचुएशन है वो क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पे एक चीज और गौर करने की, यहाँ पे जो इनका पैच नोट्स होते हैं 1.0 अपडेट के, तो पता नहीं अब तक यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्या ये जो अपडेट की रिलीज डेट है वो पोस्टपोन करने वाले इसी बैन के चक्कर में। तो देखते हैं आने वाले डेज में क्या होता है, तो आपको मैं वीडियो बनाकर एक बार फिर से बता दूंगा अगर यहाँ पे कुछ भी इसको लेकर यहाँ पे अपडेट आता है। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पे लगभग यहाँ पे 50-50% चांसेस लग रहे हैं कि जो स्टेटमेंट है वो रियल भी हो सकता है और फेक भी हो सकता है। तो नीचे आप कमेंट्स में आप बता सकते हो कि आपको क्या लगता है, जो स्टेटमेंट है वो रियल है फेक है। और बाकी अगर यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको जैसे बताया कि नेगोशिएट तो कर ही रहे होंगे, और इसके बाद अगर इंडियन वर्जन आता है तो काफी अच्छा होगा, हमारे यहाँ पे जो पिंग है वो भी मेरे ख्याल से रिड्यूस होगी, और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल इवेंट्स भी देखने को मिलेंगे अगर इंडिया वर्जन आता है। बाकी यूसी का पता नहीं कि सेम ही प्राइस होगी मेरे ख्याल से जैसे पहले थी। तो देखते हैं आने वाले डेज में अब क्या होगा, आपको जो बैन है वो लिफ्ट होगा या फिर जो पबजी मोबाइल हमेशा के लिए बैन होगा। तो मैं भी यहाँ पे किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट कर रहा हूँ, उसी के बाद यहाँ पे किसी और गेम पे शिफ्ट करेंगे। और मैं हो सकता है कि अगर मैं पबजी मोबाइल के जो वीडियोज है वो शायद एक दो डालूँ वीक में, बाकी हम किसी और गेम को ट्राई करेंगे, देखेंगे
कौन सी गेम खेलेंगे। दोस्तों इस आज की वीडियो के लिए, बाकी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो और नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा लगा है, मतलब इसमें आपको स्टेटमेंट लगता है कि जो रियल है या फिर फेक है। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में कुछ पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और तब तक के लिए गुड बाय।